महारानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कैसे हुई थी? भारत में जब भी शक्तिशाली देशभक्त रानियों की बात होगी तब अहिल्याबाई का नाम जरूर लिया जाएगा। उससे पहले ये जान लेते हैं अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया था। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनवाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। इसके साथ उन्होंने कई मंदिरें, तालाब और कुएं भी बनवाए। अपने पति, बेटे और ससुर के अचानक मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से टूट गई थी। अपने जीवन काल में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन रानी ने कभी हार नहीं मानी। अपने ससुर के दिए हुए वचनों को निभाने के लिए उन्होंने अपने राज्य का बागडोर संभाला। इस प्रकार उन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक करीब 28 साल तक शासन किया, लेकिन अपनों का वियोग और राज्य की जिम्मेदारी धीरे धीरे रानी को खोखला कर दिया। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसी प्रकार अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को इंदौर में हुआ था। पता नहीं हमारे एडुकेशन सिस्टम में इतनी महान रानियों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा गया। सिर्फ मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में ही क्यों पढ़ाएगा? कोई कमेंट में बता सकता है मुझे।